4-5 करोड़ की तो होनी चाहिए बॉस। 20 करोड़ या 22 करोड़ आप नहीं ज्यादा होती 3-4 करोड़ ये तो होगी होगी 2 करोड़ की ठीक है। ये है यही सिस्टम रहा अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो सुपर स्टोर वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। रिक्शा लेने चले जाएं वो आज 5-6 लाख का मिल रहा है तो 5-6 लाख का मिल रहा है तो ये अफगानिस्तान की क्योंकि आजकल उन्होंने भी एक वो गाड़ी बनाई हुई है लेकिन सर उन्होंने तो सुपर कार बनाई है ये तो 10 लाख आई कांट इमेजिन बड़ी बात है ये तो इतने की और जर्मनी लेकिन नहीं सर जर्मनी की भी नहीं क्यों जापान नहीं सर जापान की भी नहीं है ये आपके आसपास पड़ोसी मुल्क है ईरान की ना अफगानिस्तान की तो फिर होगी इंडिया की होगी जब माइक्रोसॉफ्ट था ना उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना इवन वो सब्जी फ्रोश जो है उनका उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है 15 लाख ये वाली गाड़ी खराब है टूटी भजी गड्डी है 5 लाख समझ आती है ना 25 लाख रुपए की चार करोड़ की सन्नाटा है। अच्छा ये गाड़ी कितने की लग रही है आपको कौन सी गाड़ी ये जो मैंने आपको ये आपने हमारी स्विक देखे किसी ना काम की 1.5 करोड़ की है करोड़ से ऊपर काम की गाड़ी 1.25 करोड़ रुपए। नमस्ते दोस्तों, अभी पिछले दिनों में टाटा ने अपने बेड़े में एक और गाड़ी को जोड़ लिया है। टाटा ने अपनी कर्व ईवी को लॉन्च कर दिया है। कर्व पेट्रोल और डीजल में भी आएगी जिसकी कीमत इंडियन रुपीज में 13 लाख से शुरू होती है। टाटा कर्व कूपे स्टाइल में आने वाली पहली इंडियन मैन्युफैक्चर कार है। अब ये डिज़ाइन किसी को पसंद आ सकता है या फिर किसी को पसंद भी ना आए यहाँ ये मुद्दा नहीं है। पिछले कुछ सालों से इंडियन मैन्युफैक्चर टाटा और महिंद्रा ने ऐसी गाड़ियाँ बना दी हैं कि जो पहले कोरियन जैपनीज या जर्मन गाड़ियाँ खरीदने मार्केट में जाते हैं एक बार टाटा या महिंद्रा की कार्स के बारे में जरूर सोचते हैं। टाटा और महिंद्रा की कार सब बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं मगर पाकिस्तान में टाटा कर्व की इमेजेस और प्राइस पहुंची तो पाकिस्तान की जनता को यकीन ही नहीं होता कि इंडिया भी ऐसी कार बना सकता है। पाकिस्तान की अपनी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है नहीं। चाइना और जापान से कार के पार्ट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में असेंबली की जाती है जिसकी वजह से इन कारों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगले 10 सालों में इंडियन कार इंडस्ट्री टॉप 3 में आ सकती है और वहीं पाकिस्तान इंडिया की कारों को देख कर जलता रहेगा। अब पाकिस्तान की रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि ये सब रिएक्शन स्क्रिप्टेड है। पहले से ही उन्हें ये बोलने के बोल दिया जाता है। कार के लोगों से पता चल जाता है कि किस कंट्री की कार आई है। ये ऐसे दिखाते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप भी देखिए इनके नकली रिएक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता नहीं यार इस चीज का इतना आइडिया नहीं है। कहां पे हो सकती है? कोई बाहर मुल्क में होगी। पाकिस्तान में तो हो नहीं सकते। पाकिस्तान में हो नहीं सकते। क्या वजह पाकिस्तान में नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि मतलब हम इस लेवल पे पहुंचे। अरे गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप फिर एक गाड़ी देख के मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी लुक वाइज आपको कैसी लगी है और इसका इंटीरियर कैसा लगा। सर माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, इसकी लुक बहुत अच्छी है। रेड कलर में मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर, वाइट कलर, ये मुझे पसंद करता हूँ और लुक के हिसाब से देखूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी है। प्राइस की बात करते हैं कितने की होगी? पाकिस्तान 60-70 लाख बनती है। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपया होना किधर है, किस मुल्क में है 10 लाख? यहाँ तो नहीं हो सकती। सर कहाँ पे हो सकती है? नहीं पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती और कहीं भी हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। 10 लाख नहीं हो सकती, बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं हो सकती इतनी। सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ कहाँ पे होगी? कहाँ पे होगी? अमेरिका में। अमेरिका में? अमेरिका में हो सकती है और किसी भी मुल्क में हो सकती है, पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में हो सकती है। लेकिन सर ये है इंडिया में। इंडिया में ये भी कमाल की बात है। इंडिया में 10 लाख की गाड़ी इंडिया में मिल रही है। हाँ हो सकती है, पाकिस्तान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है किसी भी मुल्क में। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया जिस तरह से गाड़ियाँ बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो क्या लगता है आपको कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है? दुनिया के इस टाइम वो 5वें 3rd नंबर पे आ चुका है व्हीकल प्रोड्यूस करने के हवाले से, क्या कहेंगे? हाँ जी, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काफ़ी कंपनीज खोल रहे हैं और उनकी GDP बहुत बेहतरीन होगी क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपना अपने मुल्क में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। हर प्रोडक्ट उन्होंने अपने मुल्क में ही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी जल्दी वो ग्रो कर जाएंगे। मैं बिल्कुल बताता हूँ ये कहाँ की है और कितने की है होगी, अंदाजन कोई बताइएगा कितने की हो सकती है? 50 लाख। 50 लाख आई थिंक सो 70। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है सिर्फ 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपया गाड़ी की कीमत? नॉन कस्टम पेड है या कस्टम पेड है? यहाँ पर टाटा की बात करूँ तो मुझे टाटा की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि टाटा ने हर कैटेगरी की अपना एक गाड़ियां हैं वो आपको देता है और इसके अलावा आपकी जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हाँ आपको देख कर एक तो खुशी होती है,
इवन कि हम लोग ये जो टाटा कर्व की प्राइस देख रहे थे तो उसकी प्राइस कितनी थी वो एक्सपेक्ट की जा रही है 20 लाख के पास पास होगी। वैसे मैं जब ये मैंने प्राइस देखी है ना, मैं ये अभी वीडियो देख के सोच रहा था, मैं कहा अगर 20 लाख इंडिया में है, अगर पाकिस्तान में इन फ्यूचर कभी आपको ऐसी गाड़ी देखने में, वो तो फिर करोड़ों में जाएगी। क्योंकि अगर अभी बात करें जो ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम बंदे की फोर्ड से वो जो बाहर हो चुकी हुई है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे रहते, ट्रेड वगैरह होती रहती और टाटा की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही होती तो मतलब हम लोगों को बाकी गाड़ियों से तो सस्ती पड़ती ना। हाँ सस्ती पड़ती, लेकिन उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीजें थी कि यहाँ पर आपको जो है वो सर्विसेज यानी गाड़ियों की जो एक होती है पूरी एक ट्रेनिंग, पूरा एक शोरूम, यानी कि काफी सारी चीजें जो है वो चाहिए होती है। मतलब कि मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। हाँ अगर 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 टाटा चाहे तो, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस चाहें तो भी, कि मतलब रिलेशन अगर अच्छे रखें तो भी ये चीजें हो बिल्कुल सकती, हो सकती ये है। नेबर कंट्री है तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे मोहल्ले से चीजें उठानी, उससे बेहतर ये है कि जो आपके लिए आसानी, आपके लोगों के लिए आसानी, उसमें आपको मुझे इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे मैं अगर टाटा की गाड़ियों की बात करूं, वैसे मैं टाटा की नहीं, मैं इंडिया में बनने वाली जितनी भी गाड़ियां अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि आपको मिड रेंज से लेकर जो है ना आपको हाई रेंज तक, यानी कि अपनी अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको हर तरह की वहां पे गाड़ी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। 32 आपसे मैं पूछूंगा, 32 साल हो गए कि अपना मैन्युफैक्चर देखा है जिसपे अपना नाम लिखा हो, लोगो लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, या हाँ मेड इन पाकिस्तान लिखा हो किसी पे, प्रिंस की एक देखिए मेड इन पाकिस्तान, वो मेड इन चाइना लिखा भी रोड प्रिंस है, मतलब बनती असेंबलिंग इधर होती है उसकी, पार्ट्स वगैरह सारे उधर से ही आते हैं, गाड़ी सारी हमारी यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, हमारे पार्ट्स जो वो भी सारे आ रहे हैं, बट हम वहाँ से आता है सिर्फ लगा देते हैं। पहले हमारी जो मेहरान यहाँ पे होते प्रॉपर मैन्युफैक्चर होते थे यहाँ पे, मगर हम अब जो करने लग गए हम एक असेंबलिंग कर रहे हैं। असेंबलिंग का ये मतलब होता है कि आपने ना कॉपी पेस्ट की जो ना वो आदत पड़ी हुई है, ठीक है, हर चीज़ इवन के हमारी कोई भी चीज़ जो इधर से बनती ना, मिसाल के तौर पे कुछ भी लगा लें, बाइक्स भी जो पाकिस्तान में रोड प्रिंट्स वगैरह थे उसके भी पार्ट्स आपको पता सारे कुछ चाइना से आते हैं, कोई किधर से आ रहे हैं, इधर से हमने सिर्फ उसको जोड़ना है और वो तैयार कर देनी है। आप क्या कहेंगे कब तक हम अपनी 19 साल हो गए आपको एज को, कब तक आप अपनी मैन्युफैक्चर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम इतना जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि मैंने आज तक, मेरी 19 साल ईयर है उम्र, मैंने आज तक नहीं देखा इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई लोगो लगा हुआ। असल में बात ये है कि जब तक हम खुद नहीं ना चाहेंगे हम नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि मैन्युफैक्चर पे हम से चीजें आती है ना, उन पे हमें टैक्सेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को जाता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा देख रही है, वो लोगों के बारे में नहीं सोच रही कि इधर जो गाड़ी बनेगी ना वो एक तो हमारी जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, कंपनीज बने, जारी बात है कंपनीज लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा उसके टोटली एक तो वो सस्ती होगी, दूसरा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी कम जाएगा। सिर्फ यही वजह है जो बाहर से आती है ना, आप सोचें बाहर अगर 20 लाख की गाड़ी है ना, पाकिस्तान में वो 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, आप चले जाएँ ये नॉर्थन एरियाज़ में फॉर्चुनर वगैरह उधर कितने की आ जाती है, 15-20 लाख रुपए की आपको फॉर्चुनर मिल जाती है, और इधर वही 2-2.5 करोड़ 8 करोड़ की है वो, अच्छा फॉर्चुनर में 8-10 करोड़ की है, उधर वो आपको 25-30 लाख या 40 लाख की मिल जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।